अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ कायनात खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गई हूँ। आज भी आप लोगों की एक और प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, जो हमारी मेन प्रॉब्लम बेस बनाने की होती है, आज वो सॉल्व होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है गिब्रानी का फाउंडेशन है, ठीक है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप लोग जो है ग्लैमर फेस का भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसकी भी बताऊँगी उससे किस तरह बेस बन सकता है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास फिक्सर है और ये मेरे पास 45 क्रायलोन की स्टिक है। ये मेरे पास शेफर का 8 नंबर है, ठीक है। ये शेफर का फिक्सर है और ये मेरे पास जो है स्टैंड का लूज पाउडर है आइवरी 328। और ये मेरे पास जो है क्रायलोन का 2W है ड्राई पैनकेक, ठीक है। आप लोगों ने 2W लेना, हमें पिंकिश बेस बनाना है, ठीक है। और ये मेरे पास ऑर्डबो का 1 नंबर है हाइलाइटर का, ठीक है। और ये जो है मैट्रिक्स आई कलर हैं, कि आप लोग को 150-200 के बाहर से आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। इसका भी ये जो है पिंकिश शेड है। अगर आपके पास हाइलाइटर अवेलेबल नहीं और आपके पास हाइलाइटर की तरह एक कोई सा भी शेड हो तो आप लोग वो भी इसमें ऐड कर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पहले जो सबसे पहले फाउंडेशन लेना है, उसके बाद आप लोगों ने जो है ये 45 में क्रायलोन की स्टिक ले रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप लोगों ने क्वांटिटी में थोड़ी सी जो है गलती कर दी तो आप लोग का बेस जो है वो स्क्रैच हो सकता है, आपका बेस ठीक से सेट नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ड्राई पेन के क्रायलोन का इस तरह इसको तोड़ के 1-2 पिंच इसमें ऐड करना है। उसके ये हमारे पास ऑडबो का हाइलाइटर है, इसको आपने स्क्रैच करना है। स्क्रैच के बाद जो इसका पाउडर होगा आप लोग ने वो ऐड करना है, ठीक है। आप लोग ने इसको भी थोड़ा सा ऐड करना है। और इसके अलावा आपके पास जो है शेफर या क्रिस्टाइन में से जो भी इन दोनों में से है, ये फिक्सर इसका 8 नंबर है, वो लूज़ पाउडर है, इसको भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। मैं फिक्सर ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ने इतना सा लेना है, ये हमारे फेस एंड नेक के लिए। अगर आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया, अगर आप लोगों के पास हाईलाइटर नहीं है, इस तरह का पिंक शेड है ग्लोइंग हाईलाइटर के तौर पर आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके अच्छे से मिक्सिंग करनी है, आप क्वान्टिटी देख सकते हो। उसके बाद आपने इस तरह फिक्सर लेना है, अच्छे से फिक्सर स्प्रे करना है, ठीक है। फिक्सिंग स्प्रे के बाद आपने जो है फेस को 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और ये इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, हमारे मेकअप में आईज मेकअप हो, बेस की हो, किसी भी चीज़ की हमें ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, वो जब भी हमारा स्टे करता है। नहीं तो हमारा आईज मेकअप हो या बेस हो, वो हमारा अच्छे से सेट नहीं होता है। इसकी आपने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद जो है हमने अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करने के बाद हमने अपने फेस पे अच्छे से ब्रश से लगाना है, ठीक है। आपने पूरे फेस पे ब्रश से लगाना है। फिर ब्रश से लगाने के बाद आपने इस तरह टच मी का स्पंज लेना है, उसको हल्का सा वेट करना है, ठीक है। अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। देखें, अगर आप लोग मेरे से ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा ये स्क्रैच हो गया है, तो उसमें आप लोग की ही गलती होगी, आपने अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं की होगी, अच्छे से बेस की मिक्सिंग नहीं की होगी, तो इसमें दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमें भी इन दोनों चीज़ों में ही प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो हमने अपनी, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। आपने इस तरह देखें, एक ही बेस लगाने के बाद हमारी ये फुल कवरेज बेस बनेगी। उसके बाद आपने इस बेस को थोड़ा ड्राई होने देना है। आपने इस तरह से जो हमने फिक्सर इसमें ऐड करा था, हमने वही शेफर का 8 नंबर फिक्सर इस पर अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है राउंड राउंड शेप में। आप लोग जो इसके बाद जब फिक्सर इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये वाटर प्रूफ बन जाएगा, जब आप इसको फिक्सर स्प्रे को अच्छे से राउंड राउंड शेप में लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, देखें इन चीज़ों से ब्राइडल बेस नहीं बनती है। ब्राइडल बेस इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस तरह के जो हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ये ब्राइडल बेस है, आप लोग इस तरह ब्राइडल बेस तो देखें, ब्राइडल बेस अगर इस तरह से बनने लग जाए तो हर बंदा ब्राइडल बेस बना के ब्राइडल का मेकअप करने लग जाए, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है ब्राइडल बेस बनाना, ये सिर्फ पार्टी वेयर के हिसाब से होता है। अगर आप लोगों को जो है कभी कहीं जाना है और आप लोग इस तरह की बेस बना के चले जाएं तो ये सिर्फ उसके लिए होता है, ब्राइडल बेस नहीं होता। आप जो है इंशाल्लाह मैं आपको हर तरीके की बेस बताऊंगी और बिल्कुल इस तरह बताऊंगी कि आप लोग वो यूज़ करके भी मुझे बताइएगा कि वाकई में वो बेस जो है नॉर्मल है या ब्राइडल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।